डेट है 30 दिसंबर 2020। मैं हूँ अरगीजा की सड़कों पे, अपने होटल से बाहर निकला था। आज मैं जू जाऊंगा और खाद ट्राई करूंगा, जो यहाँ का ड्रग है लोकल, वो जो पत्ते खाते में नहीं थोपे में ट्राई किया था। आप ये देख रहे होंगे रिस्ट बैंड, ये मैंने कल खरीदा था, इस पे सोमाली लैंड का फ्लैग है। तो आप कभी भी किसी कंट्री में आओ तो आप वहाँ का कुछ, यू कैन बाई समथिंग लोकल। अगर आप ऐसा करोगे तो वहाँ के लोकल्स भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे अच्छा फील करेंगे और आपको एज अ फॉरनर नहीं देखेंगे। जस्ट लाइक वेन आई वॉज वॉकिंग, पीपल आर थिंकिंग दैट मे बी आई एम फ्रॉम जर्मनी। लोग बात कर रहे थे कि ये शायद जर्मनी से है, ये इतना तगड़ा है। और ये टी शर्ट भी मैंने ऐसी पहन रखी है, लगता है कि कोई जासूस ना हो। पर अगर आप ऐसा कुछ पहनेंगे तो आप क्राउड में ब्लेंड इन हो सकते हो। इट्स ईजियर फॉर यू टू बी मोर फ्रेंडली विद लोकल पीपल। तो अभी हम मार्केट के बीच में एक खाद खरीदना है। खाद यहाँ का पॉपुलर ड्रग है, इथोपिया में इसे चाट बोलते हैं। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी इथोपिया वीडियो बनाई थी चाट के नाम से, वहाँ से इंपोर्ट होते आते हैं यहाँ पे सोमालीलैंड में, और यहाँ पे लोग इसको काफी खाना पसंद करते हैं। ये ट्रक्स में इंपोर्ट होते हैं और यहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है चाट और या खात, जो भी आप इसे कह लो। और आमतौर पे आप सड़क पे जब सैर करते हो तो जो नॉर्मल गाड़ी है वो आपको पहले जाने देगी, आपके लिए रुकती है, रास्ता देती है। पर जैसे आपने इंडिया में ट्रक सुने होंगे पीपी पीपी करते हैं बहुत तेज तेज, तो जितने भी ट्रक्स यहाँ पे ऐसे शोर करने वाले आपको मिलेंगे वो खाद के ट्रक्स मिलेंगे। उनके अंदर खाद होती है, वो इथोपिया से लेके आए हुए होते हैं, और उनका एक्सीडेंट भी हो जाए कुछ भी हो जाए तो वो रुकते नहीं है, सीधा चलते रहते हैं, ना नंबर पकड़ा के निकल जाते हैं तभी, ना उन्हें यूजुअली पुलिस रोकती, ना कोई आम आदमी रोकता, और हॉर्न बजाते हैं मार्केट में एकदम स्पीड में से निकलते हैं यूजुअली। इसका रीजन यही है कि यहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है खाद की सेल और इम्पोर्ट, तो इसलिए कोई छेड़ता नहीं है, काफी खुले में चीज होती है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, आप कितनी ले लो, कहीं से ले लो, कितनी खा लो। तो अब हम फाइनली खाद खरीदने आए एक दुकान पे। खाद के भी कई तरीके होते हैं, ये पत्ते से होते हैं, और अभी खरीदे तो हम यहाँ से गए, ट्राई शायद कहीं और करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हो खाद की दुकान पे भी मोबाइल से पेमेंट करते हैं। कैसे है भाई, अपने फोन से मोबाइल पेमेंट से इनको पे कर रहा है खाद के पैसे। यस ब्रो, there's two different like sizes they have. The smallest one is usually for like one person, and that's 22,000 shillings, like $3 America. The second one's for two to three people, and that's 45,000 shillings, that's $5. And the biggest one for like a group of six or seven people is about 180 shillings, which is about $22, $21. And that's like for a whole group. So for you, for today, since you're just gonna be trying it, we'll get you a small one. And that's gonna be about 22,000 or $3. अब्दी ने बताया कि तीन तरह के वेरिएंट, एक सबसे छोटा है, एक मीडियम है, एक बड़ा बड़ा गुच्छा है। बड़ा गुच्छा जो है वो पूरे ग्रुप के लिए, जो छोटे वाला है वो एक आदमी के लिए, जो मीडियम वाला है वो दो से तीन जनों के लिए। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट वन? स्मॉलेस्ट वन इज $3, लगभग $3, और मीडियम $5 या फिर 45,000 सोमालीलैंड शिलिंग। द लार्जेस्ट वन, द बन 180, एंड दैट्स फॉर लाइक 67, दैट्स लाइक 22। ओके, लगभग $20-22, 1,80,000 बड़ा गुच्छा है, लेकिन वो पूरे ग्रुप के लिए है। व्हिच वन आर वी गोइंग टू बाय? आई थिंक लेट्स बाय द मीडियम वन। वी विल गो फॉर द मीडियम वन, एंड हु एल्स इज गोइंग टू ट्राई विद मी? ओके, माय ब्रो शकूर विल ट्राई विद मी, सो वी विल हैव द मीडियम वन। अभी इसके नीचे इन्होंने खाद स्टोर कर रखी है, ये निकालेंगे इसमें से ये पत्ते अलग अलग। ये वो फिर बाइंग द मीडियम वन, राइट? ये वो मीडियम वाला। ये कंपेयर कर रहा है भाई दोनों को, कौन सा अच्छा है कौन सा गंदा। हाँ,
तो भाई ने सारे खाद कंपेयर करे और जोन सा अच्छा लगा वो हमने ले लिया एक गुच्छा $5 का. हाउ डू यू डिफरेंशिएट व्हिच वन इज गुड व्हिच वन इज बैड? कलर्स बाय द लीफ. Two and green. If it's too green, yeah. Very. Oh. And it's dry. Not on sweet. So no, I didn't get it. You like, should it be like very green or less green? Less green. Oh. Less green. तो इन्होंने बताया. Not dry. Yeah. तो इन्होंने बताया एक तो ये dry नहीं होना चाहिए अगर आप खरीद रहे हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हद से ज्यादा हरा भी नहीं होना चाहिए. ऐसे आप differentiate कर सकते हो कि कौन सा खाद अच्छा है और कौन सा बेकार है. $5 का था एक गुच्छा और अभी मैं इनको पैसे दे रहा हूँ. Thank you. We going to buy like how do we chew it? Do we need some peanuts or tea or coke or something? You can take tea, peanuts, coke, water, anything you want. It's your preference. Okay. But usually people take it with coke or peanuts. Coke or peanuts. Or tea. Or water. Or tea or water. Yeah. Okay. No water. Tea, coke, peanuts. Yeah. Okay. Three main. Kind of activate it a little bit better so we can grab actually all three and then you can like try some and then take awesome. A sip of it and then see which one you yeah. feel the best awesome with. Awesome and people perfect when they're chewing they usually smoke cigarettes to activate the substance. Oh okay. No, I don't smoke, so we'll just have coke and tea. Okay, let's go. To khate usually ye ya to coke coca cola ke sath lete hai ya fir chai ke sath या फिर पीनट्स के साथ. इथोपिया में मैंने आपको दिखाया पीनट्स के साथ मैंने ट्राई करी थी. यहाँ पे कोक और पीनट सबसे ज़्यादा कॉमन है. चाय भी ले लेते हैं और कुछ लोग जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट के साथ भी ताकि जल्दी एक्टिवेट हो जल्दी इनको हाई दे तो सिगरेट के साथ लेते हैं वो लोग. और हम तीनों चीज़ें लेने वाले हैं पीनट्स कोक और चाय. हमने डिसाइड किया जिसके साथ मन करेगा उसके साथ ट्राई कर लेंगे. और आमतौर पर आप अगर यहाँ पे किसी दुकान पे जाके कोक खरीदते हो तो दुकान वाला यही समझेगा कि आपको उसके साथ खाद खानी है इसलिए आप कोक ले रहे हो. दुकान से एक ब्लैक बैग खरीदा है ताकि वो खाद को हम छुपा सके क्योंकि हाथ में होती तो सारे लोग देखते हैं पास आते हैं मांगने की कोशिश करते हैं. तो दो काले पॉलीथीन खरीद के उसके अंदर खाद को डाल लिया ताकि आराम से हम चल सके. तो अभी हम आ गए मेरे होटल रूम में और खाद हमने दिन में खरीद ली थी. थोड़ी देर हुई हमें खाते हुए. पिछली बार जो मैंने खाद की वीडियो बनाई थी इथोपिया में वहां पे इसे चाट बोलते हैं तो उसमें मैंने एकदम से सड़क पे खड़े होकर थोड़ी सी खाई थी. 2 मिनट में मेरे को कुछ नहीं हुआ था. तो अब की बार मैं आपको बताना चाहता था ठीक से कि भी कैसा एक्सपीरियंस होता है इसे खा के और क्या फील होता है. तो बेसिकली यहाँ पे एक कस्टम है यमन में जिबूती में और सोमालिया में कुछ पार्ट्स युगांडा कीनिया और इथोपिया में इन कंट्रीज में एक तरह से एक कस्टम है. जैसे साउथ अमेरिका में कोका लीव्स खाते थे उसी तरह इधर इनका एक कस्टम है. ये आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक माइल्ड ड्रग की तरह क्लासिफाई कर रखा है. बट दिस इज वेरी एडिक्टिव और आपको साइकोलॉजिकली इसकी एडिक्शन हो जाती है. और ये आप में थोड़ी बहुत अलर्टनेस और फ्रेंडलीनेस यूफोरिया एक्साइटमेंट इस तरह की फीलिंग्स आप में जगाता है. तो अभी हम पहले तो ये जानेंगे कि इसमें से कौन से पत्ते खाने होते हैं और कौन से पत्ते नहीं. विच लीव शुड यू बी ईटिंग एंड विच लीव्स aren't supposed to be eaten. तो माय फ्रेंड शकूर विल गाइड यू विच लीव्स टू ईट एंड विच वंस टू अवॉइड. सो बेसिकली एज यू कैन सी देयर्स अ लॉट ऑफ दीस सम लॉन्गर वंस सम शॉर्टर वंस बेसिकली सो यू फील इन टच द रफर वंस यू थ्रो अवे. सो बेसिकली द रफर वंस यू थ्रो अवे एंड दीस रेड वंस यू कैन सी दीस स्मॉल रेड वंस यू जस्ट टेक इट एंड चू इट. Put in your whole mouth. Can you show it how to chew? Yeah. So basically, जो juicy ones होते हैं आपको सिर्फ वो खाने होते हैं. जो भी hard से और rough से उसमें juice कम होता है वो आपको निकाल के फेंक देने चाहिए. खाद की भी कई qualities है. ये देखिए ये red one right here. ये लाल वाला है. लाल है तो ये काफी juicy है और ये काफी strong है अगर लाल है तो पत्ता. और usually इसको या तो peanuts के साथ या फिर coke के साथ या फिर tea के साथ लेते हैं. So basically you just take it and hold it on one side of your mouth. So basically you just chew. Yeah. And juices come out and then the juices, that's the thing you intake and ingest, but you're supposed to not ingest the whole leaf because your stomach can be congested and you'll have medical problems. This causes constipation as well if you eat a lot. Mm-hmm. And if you keep eating it for like many days, you can get addicted as well. Here, you try. Yeah. Abhi hum already kha chuke aur par abhi aur kha rahe. We have been eating this for the last 20-25 minutes, but now we just started recording. और मुंह में ऐसे डाल के एक तरफ इसे लेना होता है पत्तों को.
चबा के पत्तों को वहीं रखना और उसका जूस आपको अंदर वो इंजेस्ट करना होता है. It's a little harsh taste, but it's bearable. People usually drink tea and coke with it to make the taste a little bit better. So basically, there's a lot of people in Somaliland that are addicted to the khat. It comes from either Ethiopia or Kenya, and this is the number one taxable source of income for Somaliland. Basically, they make so much money, millions of dollars each month from taxing khat. And basically, there's different price ranges, and a lot of people are addicted to this. Mm-hmm. And basically, it's a stimulant where it's an upper drug. It doesn't get you down, it keeps you awake. It's basically coffee, but about 50 times, 100 times stronger than coffee. Mm-hmm. And people use it to stay awake. Some people use it as gathering. So basically, when they're sitting down and chewing, they sit down for hours and hours. Some people sit down for 7 hours at a time. So Shakur bhai ne bataya ki log jab kafi der tak baithna ho, aaram se baith ke baatein karni ho aur pura group ho, to usually group mein khate baith ke aur 7-8 ghante tak bhi log ise khate usually baith ke. तो बेसिकली एक ये टाइम खराब करने वाला ड्रग है. आपको टाइम वेस्ट करना तो आप ये खा सकते हो. मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा आपको ये खाने के लिए, ना ही मैं ये खाऊंगा दोबारा. ये सिर्फ वीडियो के मोटिव से, अगर आप किसी भी देश में आते हो, उनकी कल्चर की कोई चीज है या फिर उनका कोई भी कस्टम है, कोई भी उनका खाने पीने का पार्ट है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो ताकि आप उनके कल्चर में अच्छे से ब्लेंड कर सको या फिर उनका कल्चर अच्छे से जान सको, समझ सको. तो मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि भी ये समझना, एक बार ट्राई करना. हालांकि मैंने इथियोपिया में ट्राई करी थी, पर मैं आपकी बार दोबारा ट्राई करके आपको अच्छे से समझाना चाहता था. और मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा बिल्कुल भी. और ध्यान रखिए, आप नए देश में ऐसे भी कोई भी नशा या इस तरह की चीज ट्राई करें तो आपके भरोसे के जो दोस्त हो या फिर लोग हो तो ही ट्राई करें. अकेले में नए आदमी के साथ ये चीजें बिल्कुल ट्राई मत करें. ये सारे भाई जो अब्दी वगैरह, अब्दी, शकूर, अहमद, एवरीवन इज वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, बहुत अच्छे है. और इन जब मेरे को भरोसा हो गया कि बहुत अच्छे और सही में मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं 2-3 दिन से, तो मैंने डिसाइड किया कि भी हाँ हम ये ट्राई करते हैं और एक इस पर एक वीडियो बनाते हैं. और बेसिकली सोमाली लैंड की जो गवर्नमेंट है वो इस पे टैक्सेस लगा के काफी प्रॉफिट्स बनाती है बड़े बड़े, और इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है खाद के ऊपर. तो इसलिए यहाँ पे खुलेआम बिकता है, इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन इस पे है नहीं. जितनी भी गाड़ियां इंपोर्ट हो गया इथियोपिया वगैरह से, उनको यूजुअली पुलिस वगैरह कोई नहीं रोकता. सड़कों पर भी वो एकदम स्पीड में जाते हैं, तो इनकी इकोनॉमी बेसिकली बहुत ज्यादा रिलाई करती है इस पे. सो अब हम बात, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी फील आफ्टर ईटिंग दिस. पर्सनली स्टार्टिंग विद मी, आई वुड से मुझे थोड़ा सा, कोई ज्यादा आप वीडियो से समझ ही होगी, कोई मैं ऐसे नशे में नहीं लग रहा. हल्का सा मेरे को आप कह सकते हो कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ गई है और थकावट थोड़ी सी कम हो गई है, बात करने का मन कर रहा है, थोड़ी फ्रेंडलीनेस बढ़ गई है मेरे को जो फील हो रहा है. मतलब माई बिहेवियर, इफ यू टॉक अबाउट माई बिहेवियर, आई फील अ लिटिल मोर फ्रेंडलियर नाउ, अ लिटिल मोर एक्साइटेड एंड अ लिटिल मोर जॉयफुल एंड चीयरफुल. सो दैट इज वट हैपेंड विद मी. शकूर, हाउ डू यू फील आफ्टर ईटिंग दिस? Eating this, I feel more focused, feel wide awake. I just look at my surroundings, it's 10 times clearer. And also, basically, I just feel a lot more focused. So, yeah, now we will ask the other people who chewed it and how do they feel after eating. You chewed it, right? You can come here. Bro, you should come also. You also come. Ahmed, how do you feel? Well, I feel like more stress-free, more mellow, like the world is nothing right now. More focused, more everything right now. How many times have you eaten khat before this? Probably maybe 4 or 5 times. चार या पांच बार भाई ने पहले खाई है. What about you? How many times? This is actually my second time. Second time for me as well. Yeah. And what? How do you feel? You can say in Somali, doesn't matter. Yeah. waxaan dareemayaa wallahi dee waxaan farxaday focus badan way degnaanaysaa nin badan. So basically he says I'm chilling, mellow, and I'm focused, a lot more focused and happy. And how do you eat it, regularly or in how many days? Maybe week, 2 days. 2 days in a week? No, I'll 2 week, 1 day. ओके. हफ्ते में लगभग एक या दो बार खाते हैं भाई. ये भाई यहीं पे रहता है सोमाली लैंड में, तो यहाँ का तो कल्चर है यूजुअली, कस्टम का पार्ट बन जाती चीजें. ये दोनों भाई अमेरिका में रहते हैं तो ये यूज टू नहीं है, पर ये भी मेरी तरह ट्राई करना चाहते थे. तो ये थी आज की वीडियो खात के बारे में. आई थिंक मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कि किस तरह का ड्रग है, किस तरह का आपको ये हाई देता है,
कितने का ही आता है, कहाँ पे यूजुअली मिलता है, कहाँ से इंपोर्ट होता है और कहाँ कहाँ इसे खाया जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और कैसे खाया जाता है, कौन से पत्ते सेलेक्ट किए जाते हैं, भी मैंने आपको बता दिया। जूसी मतलब यू हैव टू ईट द जूसी वंस, द रेड वंस, एंड यू हैव टू अवॉइड द ड्राई लीव्स। तो जो ड्राई लीव्स है उसे आप फेंक दो। और इसकी भी काफी तरह की क्वालिटीज है, देर आर लॉट ऑफ क्वालिटीज ऑफ खाद विच यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट। And usually, I think two companies, two major companies. Yeah, two companies. And one thing you should add is when the cars come, it has like its own police siren. And basically, all the cars get away and it comes very fast through the town. Police siren hota hai cars pe jab aati aur sare hat jaate hain kyunki government bhi kaafi support karti hai ise kyunki unhe bahut zyada tax milta hai ise woh bahut zyada is pe rely karti hai. So that's it for today's video. Thank you so much guys for helping me to buy this khat and chewing with me and teaching me how to eat it and everything. Thank you so much, I really appreciate it. इसके साथ आप usually peanuts, tea या फिर coke लेते हैं और हमने कुछ भी नहीं लिया, we didn't take anything. But anyways, मैंने आपको बता दिया कैसे खाई जाती है, क्या इसका हुआ है और ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो आप कभी आए तो आप try कर सकते हैं, पर इसको आदत ना बनाए बिल्कुल भी। And I'm not promoting this, but you should know how things are in Somaliland. And maybe you can, just to be familiar with the culture, you can definitely try this once or twice. That's it. Thank you so much for watching. Goodbye. Take care. Stay safe.